तो सीधी बात है ना, आप सीएचओ को सीधा दो 40,000, आप इन कमीशन खोरों को बीच में क्यों खुआ रहे हो? नहीं बन पाए वो तो साल भर से परेशान है कि रिजल्ट जारी करो रिजल्ट जारी करो, जो बन गए हैं उनको क्या दिक्कत है। जैसे हमारे 15,000 डालने के लिए वो बोलते तो हैं, लेकिन 15 डालने की बजाय 12-13 ही मुश्किल से देते हैं। बाकी का पैसा कहाँ जाता है? बाकी के पैसे हमारे वो बाकी स्टाफ होता है वो लेता है, कोई BCM हो गया, CMSO लेवल हो गया या फिर BPM है। भ्रष्टाचार के तौर पे? हाँ सर, कमीशन के तौर पे लेता है। कमीशन के तौर पे सर। CHO जो नहीं बन पाए वो भी लगातार परेशान हो रहे हैं, और जो बन गए हैं वो भी पिछले काफी दिनों से परेशान है, और इसी परेशानियों के समाधान की मांग को लेकर आज शहीद स्मारक पर ये लोग जुटे हैं। भरत बेनीवाल इनका नेतृत्व कर रहे हैं। नहीं बन पाए वो तो साल भर से परेशान है कि रिजल्ट जारी करो रिजल्ट जारी करो, जो बन गए हैं उनको क्या दिक्कतें हो रही है? जी जो बन गए हैं उनको यही दिक्कत है कि भाई वो स्थायीकरण का जो है एक जादू जो अशोक गहलोत साहब ने दिया है, हम उसको अभी जादू ही कहेंगे, क्योंकि जब तक वो धरातल पर नहीं उतर जाता तब तक हम उसको मानेंगे नहीं। क्योंकि अशोक गहलोत साहब की 70% जो अब तक हुई हैं घोषणाएं, उनमें ज़्यादातर अभी तक हवा में ही हैं, जो धरातल पर नहीं आ पाई। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि भाई जो नियमितीकरण है वो तो पूरी तरह से स्पष्ट हो ही, उसमें CSR रूल्स में संशोधन होकर एक साल का जो इनको अनुभव का लॉस हुआ है वो लॉस नहीं होना चाहिए। दूसरा, टर्मिनेशन वर्ड का जो CSR रूल्स में उपयोग किया गया है सभी संविदा कर्मियों के लिए वो हटना चाहिए। सबसे मुख्य मांग CHOs की यही है कि भाई एक तो उनका जो इंसेंटिव मर्ज किया जाए, 25,000 जो मानदेय है उसमें 15,000 है, उसको मर्ज करके पूरे 40,000 रुपए आप दो, क्योंकि 40,000 गवर्नमेंट को देने भी पड़ रहे हैं, लेकिन उसमें कमीशन खोरी हो रही है। कमीशन खोरी इस तरह से हो रही है कि भी जो CHO लगे हुए हैं उनको इंसेंटिव इस तरह से दिया जाता है कि एक इंडिकेटर का 1,000 रुपया दिया जाता है और 15 इंडिकेटर्स के 15 जो है 1,000 रुपये दिए जाते हैं। अब वो जानबूझ के CHO की इधर उधर ड्यूटी लगाते हैं ताकि वो इंडिकेटर्स को पूरा नहीं कर पाए, और वो इंडिकेटर्स को जब पूरा नहीं कर पाते तो उनके पास फिर भ्रष्टाचार का दबाव बनाया जाता है कि 2,000 दो 3,000 दो, ऐसे दोगे तो आपके 15,000 पूरे डल जाएंगे, नहीं तो आपके काटे जाएंगे, नहीं तो 3-4,000 भी नहीं देंगे, या इंसेंटिव 0 रुपये आप लोगों को मिलेगा, इस तरह के हालात हैं। तो ऐसे में या तो इसका कोई अच्छा समाधान निकाले, और 40,000 रुपये इसको सबसे अच्छा समाधान यही कि 40,000 रुपये पूरे दे रहे हैं, तो सीधी बात है ना, आप CHO को सीधा दो 40,000, आप इन कमीशन खोरों को बीच में क्यों खुआ रहे हो? दूसरी बात यह कि भी कैडर निर्माण हो, जब आप स्थायीकरण इनका कर रहे हो नियमितीकरण इनका कर रहे हो तो इनका कैडर बनाओ। कैडर 4200 ग्रेड पे नहीं बनना चाहिए, 4800 ग्रेड पे बनना चाहिए, क्योंकि 4200 ग्रेड पे हमारे नर्सिंग ऑफिसर भाई हैं और रिज कोर्स करवा के और इन लोगों को आगे बढ़ाया गया है। और कुछ CHOs में ये भी एक तरीके से अविश्वास की सी भावना है कि ये परमानेंट भी होंगे कि नहीं होंगे, इसको लेकर क्या प्रयास है? नहीं, अविश्वास की भावना तो देखो इसलिए है कि कुछ एक छोटी मोटे जो इसमें वर्ड्स यूज किए, मैंने कहा ना जादू वाली बात, तो जादू वाली बातें ज्यादा रहती है अशोक गहलोत सरकार की, कि भाई ऊपर से कहा कुछ जाता है अंदर से होता कुछ हो रहा है। CSR रूल्स जो बनाए गए हैं वो 309 आर्टिकल के अंडर में बनाए गए हैं। 309 आर्टिकल में स्थायी कर्मचारियों के लिए नियम बनते हैं और ये संविदा कर्मियों के लिए बनाए गए रूल्स हैं, हालांकि इन रूल्स का नाम ही कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल 2022 रखा गया है। इनको जो कार्यकाल है 3 साल का पूरा कर लेंगे, नए तो जो 3 साल यानी 1 साल 2 साल 3 साल 3 साल पूरे करते जैसे CHOs हैं, तो इनको तो 3 साल बाद ये नियमित कर रहे हैं, लेकिन जो पुराने हैं उनको 1 साल का 1 साल अनुभव गिना जाएगा, इस तरह से रखा गया। तो वो 900 बाद परमानेंट होंगे टोटल, तो इस तरह के से जो कई लोगों को अभी ये परमानेंट कर रहे हैं, अभी अगर 2-4 दिन में जो है लगभग के ज्वाइनिंग लेटर आने वाले हैं, जो परमानेंट के लेटर आने वाले हैं, जो जो CSR रूल्स में आए, जैसे पंचायत सहायकों में आ रहे हैं कुछ के जैसे पंचायत शिक्षकों में आ रहे हैं, अलग अलग जो कैडर्स बने हुए हैं अलग अलग शिक्षा विभाग हो चाहे पंचायती राज विभाग हो सभी में, तो उनके जो लेटर्स आने शुरू हो रहे हैं अभी, तो वो लेटर आने के बाद श्योरिटी हो जाएगी कि हाँ 100% परमानेंट होंगे। अगर वो परमानेंट हो जाते हैं तो ये भी परमानेंट होंगे, क्योंकि कुछ और आप भी CHO हैं, क्या इंसेंटिव को लेकर कुछ भ्रष्टाचार की बात है? इंसेंटिव को लेकर हमेशा यही समस्या रहती है, ब्लॉक लेवल पर जाते हैं तो ब्लॉक वाले हमेशा बजट का इशू करके उसको क्या नाम से इग्नोर कर देते हैं कि आपका बजट नहीं है अभी इस चीज का, और क्या नाम से उस चीज को लेकर क्या नाम से कमीशन खोरी चलाई जाती है। इस तरह की कमीशन खोरी कि इंडिकेटर पूरे नहीं करने के कारण क्या नाम से जगह जगह ड्यूटियां लगाई जाती है, मेन सेंटर से हटाकर कभी CSC पे लगा दी, कभी PSC पर लगा दी, कभी कौन से मेले में लगा दी, कभी कौन से मेले में लगा दी, उस चीज से हट करके क्या नाम से CHO अपना मूल काम नहीं कर पाता है, जिससे क्या नाम से उनके टारगेट पूरे नहीं हो पाते हैं, और टारगेट पूरे नहीं होने की वजह से उनको दबाया जाता है और उनका इंसेंटिव देने के लिए कमीशन खोरी की जाती है। तो ये जो कमीशन खोरी करने वाले हैं ये कौन लोग हैं? ये सर ब्लॉक लेवल से हैं, CMSO लेवल से हैं, दोनों लेवल से ये सब मांगते हैं। तो एक्चुअली जो अपना 15,000 इंडिकेटर है उस इंडिकेटर से हमेशा
पैसे मांगने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे 15,000 डालने के लिए वो बोलते तो हैं, लेकिन 15 डालने की बजाय 12-13 ही मुश्किल से देते हैं। बाकी का पैसा कहाँ जाता है? बाकी के पैसे हमारे वो बाकी स्टाफ होता है वो लेता है, कोई BCM हो गया, CMHO लेवल हो गया या फिर BPM है। भ्रष्टाचार के तौर पर? हाँ सर, कमीशन के तौर पे लेता है। कमीशन के तौर पे सर। तो सर हम चाहते हैं कि इसको 15,000 इंसेंटिव जो है इसको हमारी सैलरी के अंदर मर्ज किया जाए, जिससे कि हम सभी CHO को नौकरी करते हुए थोड़ी राहत मिल सके और अपने खुल के अपना पूरा काम कर सके समाज की सेवा। हेल्थ का जो स्टेटस है रूरल लेवल पे वो बहुत ही अच्छा हो रहा है CHO की वजह से। तो CHO भी चाहता है कि अपनी मानदेय सही हो, अपनी सैलरी सही हो। तो हम सरकार से यही उम्मीद लगाते हैं कि हमारा मानदेय 40,000 मिले, हमें पूरा 40,000 मिले और हमारे को 4800 पे ग्रेड पे परमानेंट किया जाए। हम मुख्यमंत्री साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल, ये तमाम वो CHO कर्मी हैं जिनके दम पर, जिनके बदौलत ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य का जो स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है, और ये लगातार यही मांग कर रहे हैं कि इनकी जो विसंगतियां हैं, इनकी जो समस्याएं हैं, उस पर भी सरकार जल्द से जल्द ध्यान दे और उनका समाधान भी करे। धन्यवाद।